लोग बाहर शेर की तरह गुर्राते हैं और कोर्ट के सामने जाकर म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। अब तेजस्वी यादव का लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं करूंगा, और भीतर जाकर क्या बयान दिया होगा, तो बाहर की तरह बाहर आकर शेर की तरह गुर्रा रहे हैं, मुकाबला कर लेंगे देख लेंगे, और भीतर जाकर बिल्ली की तरह जो है और झेप जाते हैं। इसलिए अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो अगले लोकसभा चुनाव में इस देश का जो पिछड़ा समाज है वो इसका बदला लेगा। बात का हो गई, हम तो गांव गांव तक इस बात को लेकर जाएंगे कि पिछड़े समाज को और राहुल गांधी ने अपमानित किया है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी इस वक्त हमारे साथ है। सुशील जी, आपने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक केस किया हुआ है पटना में, जो चल रहा है, जो उनका बयान था, तो अब क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी का कल बयान आया है, वो कह रहे हैं कि माफी तो मांगना दूर की बात है, मैं सावरकर नहीं हूं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी का और केवल मोदी सरनेम वालों का अपमान नहीं है, इस देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान है। इसलिए अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो अगले लोकसभा चुनाव में इस देश का जो पिछड़ा समाज है वो इसका बदला लेगा, और इसका पूरा जवाब जो है राहुल गांधी को अगले चुनाव में मिल जाएगा। और आज ये जो पूरे देश में सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं, दिल्ली में सत्याग्रह का नेतृत्व तो कौन कर रहे हैं, तो जगदीश टाइटलर। जिस जगदीश टाइटलर पर दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में जो हजारों लोग मारे गए, उनके आरोपी हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सत्य के पक्ष में खड़ा हुआ, राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा हुआ और बयान दे रहा, सत्याग्रह कर रहा है। तो इस सत्याग्रह का नाटक करने से काम नहीं चलेगा, पिछड़ों से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और देखिए, ये मामले को भटकाना चाहते हैं, इस मामले का अडानी से कोई संबंध नहीं है। और कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बैठे हैं, बगल में बघेल साहब हैं और गहलोत साहब हैं, और यही गहलोत है जिन्होंने रेड कार्पेट बिछाकर अडवानी को, ये अडानी को राजस्थान के अंदर और जमीन उपलब्ध कराई सस्ते दाम पर, और 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोलर पावर प्लांट का वहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यही बघेल साहब हैं। तो अगर हिम्मत है तो कैंसिल कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि हम अडानी को किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। और अडानी का इन्वेस्टमेंट केवल हम लोगों के समय में हुआ है क्या, जब कांग्रेस का राज था इस देश के अंदर, तो उसकी शुरुआत उस काल में हुई है। लेकिन इस पूरे मामले का कोई अडानी से संबंध नहीं है, लेकिन मामले को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। और फिर ये जो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कार्रवाई कर दिया स्पीकर ने, अरे जब देश का कानून कहता है कि जिस क्षण आपको 2 साल की सजा होगी उस समय से आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं रह सकते हैं, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी जो उन्होंने केवल एक कागजी कार्रवाई की है। तो देखिए, इनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस राहुल गांधी की दादी ने देश में इमरजेंसी लगाई, जिस इंदिरा गांधी की जब सदस्यता रद्द करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसको स्वीकार करने के बजाय जिन्होंने देश में इमरजेंसी थोप दिया, जिन लोगों ने प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया, और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को अपमानित किया, जलील किया, यह केवल एक पत्रकार का अपमान नहीं था, यह संपूर्ण पत्रकार और मीडिया कर्मियों का अपमान था। और मुझे दुख इस बात का कि सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे लेकिन किसी ने भी इसका प्रतिकार नहीं किया था। मैं देश के मीडिया कर्मियों से आग्रह करूंगा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से एक बार खोल कर देख लीजिए किस तरह से उन्होंने प्रेस के लोगों को बेइज्जत किया है, हड़काया है और धमकी देना जैसा काम किया है। सवाल, मौका तो मिला था माफी मांगने का, कोर्ट ने तो मौका दिया था माफी मांग लीजिए, लेकिन नहीं मांग के उन्होंने क्या साबित किया? नहीं नहीं, वो नहीं माफी उनकी हेकड़ी है, उनको ये भरोसा नहीं था कि कोर्ट कभी सजा भी सुना सकता है। उनको लगता है इस देश के अंदर मीडिया कोर्ट वो जो चाहेंगे वो होगा, उनको लगता है आईपीसी का कानून के लिए अलग होना चाहिए, बाकी देश के अलग कानून और नेहरू खानदान के लिए एक अलग आईपीसी का कानून होना चाहिए। आपने नहीं स्वीकार किया तो अपील मत कीजिए, अगर हिम्मत है तो मत जाइए अपील के अंदर, ये कह रहे हैं कि और हम स्वीकार नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। तो क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगी थी जब राफेल वाले मामले के समय में चौकीदार चोर का जब मामला आया, तो आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी? इसलिए ये लोग बाहर शेर की तरह गुर्राते हैं और कोर्ट के सामने जाकर म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। अब तेजस्वी यादव का लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं करूंगा, और भीतर जाकर क्या बयान दिया होगा, तो बाहर की तरह बाहर आकर शेर की तरह गुर्रा रहे हैं, मुकाबला कर लेंगे देख लेंगे, और भीतर जाकर बिल्ली की तरह जो है और झेप जाते हैं। आखिरी सवाल, तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको लगता है 24 में कुछ इसका असर होगा? देखिए, असर तो इस बात का हो गई, हम तो गांव गांव तक इस बात को लेकर जाएंगे कि पिछड़े समाज को और राहुल गांधी ने अपमानित किया है। और आज जो विपक्ष एक
इस मुद्दे पर दिखाई पड़ रहा है। ये केवल एक मुद्दे को लेकर एक बयान है केवल कि अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या केसीआर अपने राज्य में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ सकते। तीसरी, ये तात्कालिक एक बयानबाजी होना एक बात है, लेकिन कभी मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सुशील मोदी बता रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी का बयान दिया है वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति का अपमान है, और इस मुद्दे को वो लेकर अब कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में जो है इसको लेकर जाएगी, और उनका मानना है कि 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।